आई विल नॉट से कि मैंने रिग्रेट किया, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक और बेहतर और समझदार इंसान होती व्हेन आई वाज 21 22, तो मैं और बेहतर डिसीजंस ले सकती थी. एंड व्हाई माय लाइफस्टाइल इज सो सिंपल इज बिकॉज मैं बिना वजह हर चीज खरीदने पे बिलीव नहीं करती. और जस्ट बिकॉज समवन हैज समथिंग, ही इज एक्चुअली अग्रीइंग विद मी. जस्ट बिकॉज किसी के पास कोई चीज है डज नॉट मीन कि वो चीज लाजमी मेरे पास होना जरूरी है, चाहे उसकी मुझे जरूरत है नहीं है. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इतने अवेयर हैं आपके ओवर कंजम्पशन ऑफ सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ इज जस्ट नॉट ओके. और फिर जब आपकी जिंदगी में इतनी सारी चीजें होती है तो आपको उनको मैनेज भी करना पड़ता है. तो यार इन सारी चीजों से मैं बहुत घबराती हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि कीप योर लाइफ सिंपल, इतनी सिंपल रखो कि अगर कोई नहीं भी हो तो खुद आराम से मैनेज कर सको चीजों को. और बी वेरी पर्टिकुलर खरीदते हुए कोई भी चीज के, डू आई रियली वांट दिस, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है. और दैट्स इट, आई लाइक टू कीप माई लाइफ सिंपल. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी सिंपल रहती है तो मेरा माइंड भी जरा लेस क्लटर्ड रहता है, वरना मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली 10 चीजें घूमती रहती हूँ. मैंने सोचा कि मैं जबरदस्ती इतनी अजियत पे मैंने अपने आप को क्यों रखा हुआ है. एक तो मैंने पेपर पे क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए, दूसरा मैं उठ के पहले जा रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, फिर मैं वापस आ रही हूँ. सो मैंने कहा कि यू नो आई थिंक फोन को मैं हाथ में ही रख लेती हूँ. जैसे दूसरा सवाल है अरीबा आसिम का, और अरीबा कह रही हैं कि आप एक खुद को क्या एडवाइस देंगी टू योर यंगर सेल्फ बींग एन एक्टर. तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि बी पेशेंट, इज गोइंग टू बी अ डिमांडिंग जॉब. और यकीन करो एक्टिंग मुझे जितनी पहले दिन स्ट्रेसफुल लगती थी ना, जिस दिन मैं पहले दिन सेट पे गई थी, मुझे आज भी उतनी स्ट्रेसफुल लगती है एक्टिंग. हाँ पहले यू नो आई वॉज नॉट द लीड एक्टर, तो जिंदगी आपकी डिफरेंट होती है. वैन यू बिकम द लीड एक्टर जिंदगी डिफरेंट होती है, द प्रोटोकॉल चेंजेस. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पहला दिन मेरे एक्टिंग सेट पे और आज भी अगर मुझसे एक्टिंग के बारे में बात करो, इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब. और इसमें मैं क्या दूंगी टू माई यंगर सेल्फ एज एन एक्टर, लाइन्स याद कर लो अपनी, फोन छोड़ दो, लाइन्स याद कर लो. खैर उस वक्त इतना हम फोन में लगे हुए भी नहीं होते थे, वो दौर भी अलग थे. मैं ये बात कह रही हूँ, वो दौर अलग थे. शहजाद इज आस्किंग, शहजाद पूछ रहे हैं कि विंटर सर्दियों में आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, चाय या कॉफ़ी. वैसे तो आई एम अ हार्ड कोर चाय पर्सन, बट जब से मैंने कॉफ़ी पीना शुरू की है तो मुझे ऐसा लगता है गर्मियों में कॉफ़ी मुझे पीने का कोई शौक नहीं है. आई थिंक कि कोई एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में आपका बहुत बड़ा हाथ होता है. और अगर सही लोग हों तो और बेहतर है, अगर गलत लोग हों तो यू आर डूम्ड. इसके अंदर मैं अपने सीनियर एक्टर्स को बड़ा क्रेडिट दूंगी, बिकॉज यू नो आई सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी इम्पेशेंट इन लाइफ. नाउ आई एम अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता चीज़ों को लेकर, मैं फ़ौरन रिएक्ट भी कर देती हूँ. बट यू नो बींग ऑन सेट स्पेशली, जहाँ से यू आर अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर, यू पेइंग योर बिल्स. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई सी माई सीनियर एक्टर्स, यू नो द काइंड ऑफ पेशेंस दे हैव ऑन सेट इज इनक्रेडिबल. जितना सब्र हमारे सीनियर एक्टर्स में है, मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जो कि मैं हमेशा उनको क्रेडिट दूंगी, कि अगर शायद मेरे सीनियर्स चला रहे होते सेट के ऊपर तो शायद मैं भी आज यही कर रही होती. बट क्योंकि मेरे सीनियर्स आर सो पेशेंट एंड देयर सो गिविंग एंड देयर सो ऑनेस्ट टू देयर क्राफ्ट, वो इतने ऑनेस्ट हैं अपने काम से लेके कि आप कभी कभार ना आपको शर्म आती है कि यार नहीं नो मैं कैसे थक सकती हूँ. अगर मेरे सीनियर्स नहीं थक रहे सेट पर तो मैं क्यों थक रही हूँ अपने सेट पर. सो मुझे ऐसा लगता है ये क्रेडिट मैं अपने सीनियर्स को दूंगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में कोई 20 या 25 साल का हो जाता है, राइट. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्या लाइक 12 साल इज नथिंग कंपेयर टू 25 30 साल. सो अगर 25 30 साल के अंदर वो लोग इतने पेशेंट हैं, यू नो दे आर लाइक ओके ठीक है, जनरेटर बंद हो गया कोई बात नहीं, 2 घंटे का ब्रेक आ गया कोई बात नहीं, कोई एक्टर सेट छोड़ के चला गया वेट कर रहे हैं, वापस आ गए फिर से शूट रेज्यूम हो गई, ओके फाइन लेट्स गेट द जॉब डन, टेक्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. मैनेज योर एक्टिंग करियर एंड यूट्यूब. अब से मैं इतने लंबे लंबे ब्रेक लेती हूँ कि कुछ खास मैनेज करना नहीं पड़ता. सो देयर इज नथिंग अबाउट लाइक मैनेज, बट यूट्यूब इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम माई हार्ट. इतना कोई लंबा अरसा मैंने कोई कंसिस्टेंटली किया नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं करूँ. और
कोई ऐसे मैनेज करना कभी पड़ा नहीं, क्योंकि जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही होती हूँ, जब मैं यूट्यूब कर रही होती हूँ मैं सिर्फ यूट्यूब कर रही होती हूँ, मैंने कभी एक्टिंग प्लस यूट्यूब साथ साथ मैं कभी लेके नहीं चली। समथिंग आई रियली लाइक, आई वुड लव टू बिकम अ होस्ट अगेन। मैं अपनी हिस्ट्री में से कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बदलना चाहूंगी, अगर मैं दोबारा एक्टर बनी और मुझे दोबारा जिंदगी मिली, जो कि नहीं मिलनी, यू ओनली लिव वंस, वो ये होगी कि मैं वर्किंग आवर्स कम करवा लूंगी। यार 8 से 10 घंटे इज इनफ फॉर अ पर्सन टू वर्क, 12 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो दैट्स वन थिंग आई विल चेंज अबाउट माई लाइफ। एक्टर मैं फिर भी बनूंगी, होस्ट मैं फिर भी बनूंगी, लेकिन मैं वर्किंग आवर्स कम कर लूंगी, बहुत ज्यादा घंटे हैं यार। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम? एंड द ट्रूथ इज नथिंग, मुझे कुछ करना पसंद नहीं है। जब मेरे पास वक्त होता है, मुझे होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दुनिया का कोई काम करने के लिए मत कहो, मुझे हिलने के लिए भी मत बोलो, विच इज अ हॉरिबल थिंग टू से ऑन कैमरा, बट नो आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। लाइक मैं जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना चाहती हूँ, और दोस्तों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, टीवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यूट्यूब की वीडियो बनाकर उसको एडिट करने में मुझे मज़ा आता है। लेकिन जब मेरा दिल करे, सो व्हेन आई हैव स्पेयर टाइम, हो सकता है मैं किचन में हूँ, हो सकता है मैं अपने वार्डरोब में हूँ, हो सकता है मैं अपने टीवी के सामने हूँ, हो सकता है मैं कुछ भी ना कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं सो रही हूँ। सो स्पेयर टाइम इज समथिंग विच इज अनप्रिडिक्टेबल फॉर मी एंड आई लाइक इट। सो बेसिकली इन स्पेयर टाइम ये नहीं है कि मैं स्पेयर टाइम में जी पेंटिंग करती हूँ, मैं स्पेयर टाइम में कुकिंग करती हूँ, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। वैसे तो कुछ भी करने का शौक नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं करना तो इधर टीवी, मे बी कुकिंग, मे बी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, समथिंग विच आई लाइक। मतलब मुझे कोई फोर्स्ड प्लान्स नहीं पसंद जब मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि एक तो यार मैं काम पे भी जाऊँ, वहाँ पर पूरा दिन डायरेक्टर के आप यू नो इंस्ट्रक्शंस पे होते हो कि कपड़े बदलने हैं, सीन याद करना है, ये करना है, वो करना है, घर आके भी नहीं। सी वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स जो मैंने आज तक प्ले किया है, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई पर्सनैलिटी, इज ज़ायरा फ्रॉम महरूम। जिस जिसने महरूम जियो टीवी का ड्रामा देखा हुआ है, सो मुझे लगता है ज़ायरा बहुत हद तक मेरे जैसी है। शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड सबसे बड़ी चीज़ शी इज़ अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स हर एल्डर्स, लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड टू। और ज़ायरा का बड़ा ईजी और सिंपल सा मोटो है ज़िंदगी में, इज्जत दें इज्जत लें। वो बेशक एक बड़े घर में शादी होके जाती है, बट स्टिल शी वॉन्ट्स हर फाइनेंशियल फ्रीडम, विच इज़ आई थिंक परफेक्टली फाइन। लड़की जो काम करना चाहती है वो भी सही है, जो नहीं काम करना चाहती वो भी सही है, इट्स ऑल अप टू यू गाइज, बट दैट्स मी। आई मीन आई लाइक वर्किंग, आई लाइक हैविंग द फ्रीडम ऑफ माई ओन मनी, एंड यू नो इट गिव्स यू अ फ्रीडम ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजन्स ऑफ योर लाइफ।